नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देख रहे हैं हरियाणा हलचल। हरियाणा हलचल में सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। आपको बता दें कि देश की नजर टिकी है बबीता फोगाट के खेल पर, क्योंकि राष्ट्रमंडल खेलों में बबीता फोगाट ने फाइनल में जगह बनाई है और आज फाइनल होगा। दादरी की रहने वाली फोगाट ने पदक अपना पक्का किया है, लेकिन भारत को गोल्ड जिताने का दम रखती हैं बबीता और इसी के लिए वो आगे बढ़ती हुई नजर भी आ रही हैं। 12 बजे मैच खेल होना है बबीता का और बबीता की उपलब्धि पर जिले भर में जो है उनके खुशी की लहर है। दोपहर 12 बजे फाइनल मैच पर सबकी नज़र टिकी हुई है, पूरा देश नज़र गड़ाए हुए है बबीता फोगाट पर। आप ये भी ना भूलें कि किस तरह से इन फोगाट बहनों ने देश का नाम रोशन किया है, हमेशा से ही खेलों में अपना दम दिखाया है और जिस तरह से दंगल करती हुई ये बहनें नज़र आती हैं वो अपने आप में ही तारीफ़ काबिल होता है, काबिल तारीफ होता है। और आपको ये भी बता दें कि महिलाओं की 53 किलोग्राम कैटेगरी में भारतीय पहलवान बबीता ने नाइजीरिया की सैमुअल बॉस, श्रीलंका की दीपिका दिलहानी और ऑस्ट्रेलिया की कारिसा होलैंड को भी हराया है। कनाडा की डायना विकेर से बबीता फोगाट का ये मैच होना है और काफी अहम मैच माना जा रहा है। इससे पहले श्रीलंका की दीपिका दिलहानी ऑस्ट्रेलिया की कारिसा होलैंड को हरा चुकी हैं बबीता, और अब सीधे नज़र उनकी है कि हराया जाए कनाडा की डायना विकेर को। इस दौरान बबीता ने महज 36 सेकंड में, जो पिछला मैच है उनका, 36 सेकंड में ही ऑस्ट्रेलिया रेसलर को मात देकर अपनी लगातार तीसरी बाउट उन्होंने जीत ली थी। प्रदीप साहू जुड़ चुके हैं फोनलाइन पर खबरें अभी तक संवाददाता, ज्यादा जानकारी के लिए जानना चाहेंगे उनसे कि किस तरह का माहौल बबीता के घर में है, उनके जिले में है। जी प्रदीप। देखिए कमल, जिस तरह यहाँ पे जो फोगाट बहने हैं बलाली की, ये अब तक इनकी लगातार उपलब्धियां रही हैं और राष्ट्रमंडल खेलों में जिस तरह विनेश और बबीता है यहाँ अपना हुनर दिखा रही हैं और जिस तरह बबीता ने यहाँ पे फाइनल में जगह पक्की बनाई है और पदक पक्का कर लिया है, उसी कड़ी में यहाँ पे जिले भर में खुशियों का माहौल है। उनकी अब नजर जो कनाडा की जो खिलाड़ी है उसके साथ जो 12 बजे के करीब जो मैच होने वाला है उस पर ये नजर रहेगी कि एक और गोल्ड हमारे देश की झोली में। बबीता फोगाट दादरी निवासी जो बबीता है वो एक और पदक यहाँ पे दिलाने में कामयाब होगी। प्रदीप, जो खेल होने वाला है काफी बेहतरीन होने वाला है, देखने लायक होगा, क्योंकि पिछले राउंड में पिछले जो अभी रेसलिंग हुई थी ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी थी, 36 सेकंड में ही मात दी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को बबीता ने। किस तरह का जो है माहौल बना हुआ है, किस तरह का जो है 12 बजे ये बबीता की जो रेसलिंग है वो देखने वाले हैं क्षेत्रवासी? उसने 30 सेकंड में ही ये बाउट जो जीत हासिल की है। आप बने रहिए फोनलाइन पर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं राहुल, बबीता फोगाट के भाई हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से खुशी है उनमें, क्योंकि देश तो वाकई में खुश नजर आ रहा है। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे 12 बजे जो है बबीता, हमें यकीन है कि मात देती हुई नजर आएंगी कनाडा की खिलाड़ी को, लेकिन फिलहाल आपके परिवार के मन में और आपके मन में किस तरह की खुशी है, किस तरह की उम्मीदें हैं? बहुत खुश है सर, हम, मेरी बहन पिछली बार भी, दोनों बहनों ने गोल्ड लिया था और हम तो उम्मीद करते हैं कि अब की बार भी गोल्ड लेके वापस आएंगी। मेरे ताऊ जी महावीर जी और मेरी माता जी दोनों ऑस्ट्रेलिया में गए हुए हैं उनकी बाउट देखने के लिए। जी जी, और तो राहुल आप भी बने रहिए, गीता भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, गीता फोगाट, उनसे भी बातचीत करते हैं। गीता, आपका स्वागत है खबरें अभी तक पर। सीधे आपसे यही जानना चाहेंगे, सवाल तो मन में सिर्फ यही है कि बस अब बबीता हमारा एक बार फिर से नाम रोशन कर दे, लेकिन फिलहाल आप उनके खेल को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से हरा पाएंगी कनाडा की खिलाड़ी को? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने नाइजीरिया की पहलवान को दिमाग से हराया है, हालांकि मैच के ऊपर दिमाग की और ताकत की दोनों चीज की जरूरत होती है, लेकिन जो मैच नाइजीरिया के साथ देख के लगा कि ताकत में नाइजीरिया की पहलवान स्ट्रॉन्ग होती ही है, लेकिन जिस तरह बबीता ने उसको दिमाग से कुश्ती लड़के उसको हराया है, तो हम कह सकते हैं कि फाइनल में भी वो जरूर कनाडियन जो रेसलर हैं उनके साथ इसी तरह परफॉर्म करेंगे और आज भारत को गोल्ड दिलाएंगे कुश्ती में। गीता, अगर आप कनाडा की जो खिलाड़ी जो भिड़ने वाली हैं बबीता से, उनके बारे में, अगर उनके खेल के बारे में जानती है, तो किस तरह का मुश्किलात हो सकते हैं? मैंने उसके अभी इसी गेम्स में अभी उसके 2-3 मैच देखे हैं, तो जितना देखा यही जाना है कि जो कनाडियन जो रेसलर है वो ग्राउंड में काफी स्ट्रॉन्ग है, उसका ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है, तो बबीता को उस ग्रिप से उसको का ध्यान रखना होगा कि उस ग्रिप में ना आए। तो गीता, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बबीता का, किस तरह से उन्हें हरा सकते हैं कनाडा खिलाड़ी को?
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गीता, आपने खबर अभी तक से बातचीत की है। राहुल जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बबीता फोगाट के भाई हैं। राहुल, जिस तरह से हमने जाना गीता फोगाट से कि वो किस तरह से खेलती हैं बबीता, उनके बारे में तो, लेकिन आपसे जान रहे थे किस तरह की तैयारियां जो है क्षेत्र में आपकी हो रही हैं इस मैच को देखने के लिए। सभी लोग टीवी से चिपके हुए हैं सर, वो देखना चाहते हैं कि बबीता 2010 में भी मेडल, बबीता ने सिल्वर मेडल जीता, 2014 में भी जीता, तो सभी लोगों की यही उम्मीद है कि वो अब की बार भी गोल्ड ही लेकर वापिस इंडिया आएंगी और अपना देश का तिरंगा लहराएंगी। तो हर कोई यही उम्मीद के साथ टीवी के साथ बैठा है कि वो गोल्ड, बबीता को गोल्ड जीतते हुए देखना चाहते हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब बबीता कॉमनवेल्थ गेम्स में जाने से पहले यहाँ पर थी, आपकी बातचीत भी हुई होगी, क्या उन्होंने जो है आपको बताया होगा, परिवार को बताया होगा कि वाकई में वो गोल्ड लेकर ही आएंगी? जी, मेरी अभी भी थोड़ी देर पहले भी बबीता से बात हुई थी, जैसे ही उनका पहला राउंड रोबिन राउंड खत्म हुए फाइनल, अभी उससे पहले मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि अभी अच्छी तैयारी है अच्छी, तो और करण राय पहलवान को वो हरा के वापिस आएंगी और अच्छी तैयारी उनकी चल रही है अभी भी वो। जी राहुल, इसके अलावा रेसलिंग में जिस तरह से आपने देखा भी होगा कि जो बाकी खिलाड़ी हैं, चाहे सुशील कुमार की बात करें, वो भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है कि सिलसिला जारी हो चुका है, हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं वो पदक लेने की होड़ में सबसे आगे होने वाले हैं? बिल्कुल सर, अभी पहलवानों का आज पहला दिन है, तो मैं ये कहता हूँ कि 12 पहलवान अपने इंडिया से गए हुए, तो कम से कम, ज्यादा नहीं तो 8 गोल्ड मेडल वो लेके आएंगे कम से कम। शुक्रिया राहुल, तमाम बातचीत आपने खबर तक के साथ की है और ये उम्मीद जरूर आपको भी है, देश को भी है, हमें भी है कि बबीता जो है गोल्ड जो है देश की झोली में जरूर डालेंगी। और ठीक 12 बजे देखना होगा कि बबीता किस तरह से कैनेडाई खिलाड़ी को जो है हराती हैं, वाकई में हमें उम्मीद है कि हराएंगी, क्योंकि 36 सेकेंड में पिछले मैच में, पिछले अपने खेल में, पिछले रेसलिंग मैच में जो है बबीता फोगाट ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को जिस तरह से हराया है, महज 36 सेकंड में उन्होंने उनको हराया था। और अब जो है कुछ ही देर बाद 12 बजे जब ये खेल दिखाएंगी बबीता अपना, तो उम्मीद यही है कि गोल्ड ज़रूर भारत के पक्ष में आने वाला है।